देखिए हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे मैट्रिक्स में, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना, 6 क्वेश्चन हमें करना है। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है बेटा, सिंपलीफाई करना इजी है, cos थीटा और मैट्रिक्स दिया है क्या बोलो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा प्लस। देखो यहां पर है साइन थीटा, मैट्रिक्स दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा। सिंप्लीफाई करना मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, तो इजी है काफी। तो ये मैट्रिक्स से जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स से जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। देखो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा बोलो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होगा बोलो, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब दो मैट्रिक्स को प्लस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, तो क्या होगा बोलो, पहला पहले से प्लस तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे प्लस तो कॉस साइन माइनस कॉस साइन मिलके क्या हो जाएगा जीरो। देखो ये इससे प्लस तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, और ये इससे प्लस तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाता है वन, आपको मालूम है, तो क्या हो गया बोलो 1001। तो ये इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया, काफी इजी है। तो 3.2 का स्टार्टिंग इक्वेशन बहुत इजी है बच्चों। देखो सेवेंथ एट्थ में वही अपना मैट्रिक्स इक्वेशन है कि एक्स वाई को सॉल्व करने वाला। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17 ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको मैं कराता हूँ। देखो पहले एक दो देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। देखो जैसे कि मान लो सेवन को देख लेते हैं, सेवन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो सेवन का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है ऐसे 2, 3, 4, 0, और यहां पर देखो ऐसे करके है 3x प्लस 2y एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 - 2 - 1, 5, और हमें x और y चाहिए, ठीक है, कैपिटल X चाहिए और हमको कैपिटल Y चाहिए। कैपिटल X Y क्या है, दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स हमको चाहिए। तो जैसे मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बिल्कुल उसी प्रकार से। देखो जैसे ये 2x है 3y है, 3x है 2y, देखो एक काम किया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, है ना। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बोलो, 6x प्लस 9y, है ना, और ये 3 इधर सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6, 9, 12, 0। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x 9y, और इधर 3 सब में मल्टीप्लाई होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा बोलो, 6x प्लस का 4y, और इसको 2 से तो 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 - 4 - 2 और 10, है ना। ये 2 जो है ये सब में मल्टीप्लाई होगा, 6x 4y 4 - 4 - 2 10। अब देखो
ये इक्वेशन मैंने ए मान लिया, ये इक्वेशन मैंने बी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ए में से बी को माइनस कर देंगे। तो जब ए में से बी को माइनस करेंगे, देखो 6x 6s कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, है ना। तो ये बच जाएगा 5y। इसमें से इसको माइनस करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होते हैं, मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस। तो क्या होगा बोलो, ए 2 हो गया, ये क्या हो गया बोलो 13 हो गया, ये क्या हो गया बोलो 14 हो गया, और ये क्या हो गया बोलो -10 हो गया, है ना। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 6x 6s कैंसिल, देखो ये 5y आएगा। इसमें से माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, तो 2 इसमें से ये माइनस, तो है ना 9 -4 तो +4 हो जाएगा वो 13 14, क्योंकि इसमें से इसको माइनस तो प्लस हो जाएगा ना वो, और ये -10। अब देखो y चाहिए तो 5 से डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड भी सब में होता है तो क्या बचेगा बोलो 2/5 13/5 14/5 और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बोलो -2, क्योंकि डिवाइड कोई एलिमेंट अगर कर रहे हैं मैट्रिक्स में तो वो सबसे डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई भी सबसे होता है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी में भी रख करके x निकाल सकते हैं, है ना। जैसे y की वैल्यू किसी में रख देंगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वही होता है, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे बेटा, बिल्कुल वही चीज है। देखो ये क्या हो गया 2x 3y। अब देखो ये y की वैल्यू यहां रखी जाए, ये y की वैल्यू यहां रखेंगे तो 3y 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो 6/5, ये क्या होगा बोलो 39/5, और ये क्या होगा 42/5, ठीक है, और ये क्या होगा बोलो -6। 3 से सब में 3 × y है ना, तो 3 से सब में कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ये राइट वाला मैट्रिक्स ऐसा ही रहेगा 2 3 4 0। अब यहां से 2x निकालेंगे तो इसको उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें से जाकर ये माइनस होगा तो 2 -6/5 होगा, ये होगा 3 -39/5, और ये क्या होगा बोलो 4 -42/5, और ये क्या होगा 0 + 6, ठीक है। इस मैट्रिक्स में से इसको हम कर देंगे माइनस, हाँ ठीक है। अब हमें एक्स चाहिए तो 1/2 डिवाइड कर देंगे, बोलो बताओ एक्स चाहिए तो क्या होगा, इसको 2 से कर देंगे सबको डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू हमको यहां पर मिल जाएगी, इजी है मैट्रिक्स इक्वेशन। तो 7th 8th क्वेश्चन बिल्कुल यही है, ठीक है। देखो 10th और कर लेते हैं, 9th और 10th एक जैसे हैं, 11th 12th भी इजी है। देखो 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी लिखो। देखो बोरेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानू, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हमको चाहिए कुछ इस प्रकार है, देखो 2 x z y t + 3 1 - 1 0 2 = 3 3 5 4 6, ऐसे करके देखो यहां पर ये अपना क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड और टी चाहिए, एक्स वाई जेड और टी चाहिए, इजी है। देखो 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, 2x 2z 2y 2t, 3 मल्टीप्लाई होगा सबसे, 3
-3, 0, 6 ये मल्टीप्लाई होगा 9, 15, 12, 18 देखो मैं क्वेश्चन यहां पर कर रहा हूं इनमें से कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आए तो कमेंट में लिखना इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए मैं उसका वीडियो बना दूंगा ठीक है तो जो भी क्वेश्चन कुछ मैं सोच रहा हूं तुम कर लोगे इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें ना आए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उसका वीडियो बना दूंगा ठीक है आसान है ना 2x 2z 2y 2t 3 - 3 0 6 9 15 12 18 अब देखो ये आपस में प्लस होंगे तो क्या होगा बोलो 2x + 3 और ये क्या होगा बोलो 2z - 3 ये क्या होगा बोलो 2y और ये क्या होगा बोलो 2t + 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस कर दिए हैं इधर देखो ये क्या हो गया 9 15 12 18 है ना अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दूं पहला पहले के इक्वल तो 2x + 3 = 9 यहां से x आ जाएगा दूसरा दूसरे के इक्वल 2z - 3 = 15 यहां से z आ जाएगा तीसरा तीसरे के इक्वल 2y = 12 यहां से y आ जाएगा चौथा चौथे के इक्वल 2t + 6 = 18 यहां से t आ जाएगा बस तो x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा z भी आ जाएगा t भी जाएगा बहुत इजी बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों मेरे भोले भोले हाँ लिखो जल्दी से फटाफट फास्ट सत्यम शिवम सुंदरम हाँ बड़ी इच्छा थी यार कभी गाना गाएं तो यहाँ पूरी कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में गाना नहीं गाते हैं जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में वो जानते हैं मैं ऑफलाइन में कभी गाना नहीं गाता हूँ ऑनलाइन में देखा यार थोड़ा गा लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन में तुम सामने नहीं होते ना तो शर्म नहीं आती है तुम कहोगे नहीं कैसा गंदा गाना गा रहे हो सर अब पीठ पीछे कहोगे तो कोई बात नहीं है ना तो ऑफलाइन में कभी गाना नहीं गाते हैं ऑनलाइन में थोड़ा बहुत भजन गा लेते हैं यार भक्ति के भजन सत्यम शिवम सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम अच्छा 11-12 तुम करना इजी है 13 चलो 13 देख लेते हैं थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है 13 देखो fx एक हमें दिया गया है मैट्रिक्स कैसा है बोलो cos x -sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 fx दिया गया है और ये शो करना है कि fx into fy = f(x + y) ये हमें शो करना है fx into fy = f(x + y) देखो समझो आसान है fy निकाल लो fy का मतलब ठीक है सही लिखा है ना cos - sin 0 sin cos 0 0 0 1 ठीक है देखो fy fy का मतलब x की जगह y रख दो तो क्या हो गया cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1 देखो ये भी 3x3 है और ये भी 3x3 है अब हम निकालेंगे क्या बोलो fx into fy तो इन दोनों करना है मल्टीप्लाई तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बोलो रो वाई कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो है ना यहां लिखते हैं a11 तो देखो a11 क्या होगा देखो a11 यहां पर निकालते हैं अलग से a11 क्या होगा देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इसको इससे मल्टीप्लाई जीरो
तो क्या हुआ बोलो, ये हुआ cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस जीरो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस जीरो। देखो ये फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। याद है कि नहीं फार्मूले, सब याद करो फार्मूले पुराने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी। तो देखो ये आ गया यहां पर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ए वन वन। अगला देखो क्या होता बोलो, ए वन टू, ए वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करो, क्या हुआ बोलो, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई और माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और प्लस जीरो, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका इससे और जीरो। अब देखो माइनस कॉमन ले लूंगी तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और देखो ये फॉर्मूला बन गया क्या बोलो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहां पर आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ये आ गया बोलो। सिमिलरली ए वन थ्री क्या होगा बोलो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे, इसको इससे और जीरो, तो देखो सब कुछ हो गया जीरो। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे बाकी एलिमेंट भी, है ना, ऐसे ही ए वन वन ए वन टू निकालेंगे, ए टू वन निकालो, ए टू वन क्या होगा बोलो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, देखो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, देखो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखो यहां पर ये हो गया जीरो, ठीक है। अब देखो ए थ्री वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बताओ, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये भी जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम देखो ये वन। अब देखो जो आया है क्या आया, देखो ये जो आया है एक्चुअली ये है हमारा क्या, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि देखो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखो यही आ जाएगा, दो एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दो, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दोगे तो देखो यही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो यही हमें प्रूव करना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब होता है मेरे बच्चों एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई रख दिया जाए हर जगह, तो देखो रख दिया तो हमें यही चीज मिल जाएगी वापस। तो ऐसे करना है, ये बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी से। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, ठीक है, अगली क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, सारे सवाल मैक्सिमम कर देंगे, और जो नहीं आए तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको भी करके बना देंगे वीडियो अलग से, ठीक है। लेकिन पहले जो बता रहा हूँ उनको करो, जब पहले मेरे बताए हुए सवाल करोगे तो बाकी खुद से भी कर पाओगे, और अभी सोचोगे नहीं आए नहीं आए नहीं आए दौड़ने लग जाओगे तो नहीं आएंगे। पहले सीखो क्वेश्चन करना, कोशिश करो क्वेश्चन खुद से निकालो, समझ में आई ना, कोशिश करो कि क्वेश्चन हम खुद से निकालना सीखें पहले, अभी चिल्लाओ नहीं कि नहीं आए नहीं आए नहीं आए। पहले जो पहले थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, सीधे सवाल नहीं करने बैठ जाना। पहले मेरे भाई जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, पहले पूरी थ्योरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन करने बैठना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।